हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कल आप अपना फर्स्ट लैंग्वेज एग्जाम लिखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं दे देता हूं अपनी तरफ से, आंसर्स भी साथ ही है, एक बार रिवाइज करके जाइए ताकि आपको अच्छी तरह एग्जाम लिखना पड़े। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इशारे का बहावला मुतन तशरी कीजिए, वो नबियों में रहमत लखा पाने वाला ये है, और इसकी तशरी यहाँ पर आपको मिलेगी, ये कम्प्लीटली तशरी है। उसी तरह ये भी आदमियत को नुमाइश में समझा रखा है, ये भी आप याद कीजिए तशरी। और उसके बाद यहाँ से एक पैराग्राफ याद कीजिए, जेर की इबारत को पढ़कर दिए गए 6-7 सवालों के, ये पढ़ना है, पढ़ के इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आंसर से जो इम्पोर्टेंट मैं आंसर दे रहा हूँ वो याद कर लीजिए। मुनव्वर राना ने शहर की ज़िंदगी के अक्कासी किस तरह की है बयान कीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद जहांगीर अली कुतुब शाह का यहाँ पे पार्टनर क्यों बनाना चाहते थे, ये जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या जानते हैं याद कीजिए। यहाँ पे क्या लोहा एक नहीं शायर ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको लिखना है। शहादत से क्या मुराद है, ज़ुबान और दिल की शहादत में क्या फ़र्क है, ये भी याद करना है। ये भी अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आप क्या जानते हैं, जितने भी मैं दे रहा हूँ अच्छी तरह याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर्स भी यहीं से आपको मिलेंगे। उसी तरह देखिए APJ अब्दुल कलाम के जद्दोजहद से आपको क्या सबक मिलता है। एक जहांगीर अली ने रविंद्र भारती का किस तरह तारीफ़ किया, लिखिए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के बतलाने वाले कोई एक दो वाक़े पेश कीजिए। यहाँ पे गीत में बेगल ने किन ख्यालात का इजहार किया था, तहरीर कीजिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक। चाहे तो आप आंसर्स इसमें से याद कर सकते हैं, आप याद किए से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे नजाशी के दरबार में क्या वाक़या पेश आया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए, सारा आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नुज़ूल वही के औक़ात को अपने लफ्ज़ों में लिखिए, ये तकरीबन यहाँ पे पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक लेटर है आपके पास, सदर मुदरस के नाम पर TC के रही लेटर है, कम्प्लीटली लेटर यहाँ पर है, ये भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर से सामाजिक बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई जहेज की लानत है, इसकी रोकथाम के लिए तजवीज़ पेश करते हुए मज़मून लिखिए, कॉम्पोजिशन आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है यहाँ तक है। उसी तरह देखिए पानी की अहमियत के बारे में आपको क्या करना है, कुछ नारे यहाँ से लिखना है, ये अच्छी तरह याद कीजिए। कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं, इतने अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। कुछ और यहाँ पर देखिए ये इबारत पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर से आगे आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए गोपी चंद नारंग के मुताबिक ज़ुबान के ताल्लुक मज़हब से नहीं बल्कि समाज से होता है, इसका क्वेश्चन है। प्रोफेसर स्पांडर ने किस बात पर कलाम साहब को हैरत हुई, ये आपको लिखना है। मुनव्वर राना की नज़म नसरा निगारी पर नोट लिखी, ये भी आपको याद करना है। कौन से काम सब्र इस्तकबाल से चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। दूसरों को समझाने वाला अक्लमंद होता है, इससे मुतालिक आप क्या राय रखते हैं। एक ये यहाँ पे मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफी आज़म की शायरी की खसूसियत लिखी, ये भी याद, कुछ दे रहा हूँ इतने याद कीजिए बस है। नेक्स्ट यहाँ पे सबक वतन की खिदमत के अहम नुकात आप बयान कीजिए, यहाँ से एक कम्प्लीट है आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। गोपी चंद नारंग के ये इंटरव्यू की अहमियत के अहम के नुकात यहाँ पर क्या है आपको लिखना है, गोपी चंद नारंग के इंटरव्यू के बारे में। नात का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखिए, ये कम्प्लीट आंसर यहाँ से आपको मिलेगा। नज़म औरत में मौजूदा जोश और वलवला पैदा करने की वाली बातें के मुतालिक अपने लफ्ज़ों में लिखिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम के बारे में लिखिए, ये कम्प्लीट यहाँ से आपको यहाँ तक मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा का क्या खुशखबरी सुनाई और पेशन गोई कैसे सही साबित हुई, आपको लिखना है। जानवरों की अहमियत पर मज़मून आपको लिखना है। अल्लाह ताला किन किन नेमतों को झुटलाओगे, इस पर एक पोस्टर तैयार करना है आपको, यहाँ पर ये पोस्टर भी है, देखिए ये पोस्टर भी एक आपका आया है। ये अपनी तालीमी सरगर्मियों में अपने वालिद के नाम एक लेटर लिख रहा है, बस अगर इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इतने आंसर से एक बार याद करके जाइए, कॉन्सेप्ट वाइज लिखना रहेगा आपको, अगर कुछ और एक्स्ट्रा आते हैं तो उनसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा ही जाए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स, बस इतने तो याद करके जाइए, नेक्स्ट देखेंगे।